और स्पीकर के फैसले से पहले आदित्य ठाकरे का भी बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि संविधान के हिसाब से न्याय होना चाहिए, संविधान के हिसाब से फैसला हुआ तो 40 गद्दार बाहर हो जाएंगे। हाँ, न्याय नुसते शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासाठी नाही, पण कुठचे संविधान पाळत आहेत अध्यक्ष महोदय ह्याच्यावर आहे। जर देशाच्या संविधानाप्रमाणे गेलं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलं त्याप्रमाणे गेलं तर 40 गद्दार हे बाद झाले पाहिजे। तो आपने सुना कि किस तरीके से सियासी बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज क्या कुछ होने वाला है। इस पर नजर हमारी रहेगी। कृष्णा, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।